देश में कोरोना की आंकड़ों में लगातार आ रही है कमी। बीते 24 घंटे में 42,644 नए मामले आए सामने। देश में कुल एक्टिव केस 6,62,000। उत्तर प्रदेश में कोरोना ग्राफ में लगातार गिरावट जारी। बीते 24 घंटे में सिर्फ 255 नए मामले आए सामने। 98.5% हुआ रिकवरी रेट। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर हुई लंच मीटिंग। सीएम योगी भी हुए शामिल। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी मीटिंग में रहे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश। कहा बंगाल चुनाव के नतीजे से सबक ले सभी। उत्तर प्रदेश में ना दोहराएं गलतियां। हर हाल में जीतना है 2022 का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद देगी टिकट। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी ली जाएगी राय। 2022 में सीएम योगी के नेतृत्व में जीतेंगे चुनाव। बीजेपी उपाध्यक्ष राकेश शर्मा का बयान। कहा इस बार 2017 से भी अधिक मिलेंगे सीटें। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में एक और याचिका हुई दायर। मस्जिद को दूसरी जगह शिफ्ट करने की उठी मांग। 5 जुलाई को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदेश में राजधानी लखनऊ पर रहेगी तीसरी आंख की नजर। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 6 ड्रोन कैमरों की होगी तैनाती। चलाने के लिए दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश का महोबा जनपद हुआ कोरोना मुक्त। महोबा में अब भी एक भी संक्रमित मरीज नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को दी बधाई। कानपुर के हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस से ऑप्टिक न्यूराइटिस का पहला मरीज आया सामने। आंखों की नसों में बीमारी से आती है सूजन। जा सकती है आंखों की रोशनी। वाराणसी में गंगा नदी पर सैलानियों ने के खुला अलकनंदा क्रूज। पिछले 70 दिनों से क्रूज था बंद। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर सीमित संख्या में सैलानी कर सकते हैं यात्रा। देहरादून में सीएम तीरथ ने की रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ बैठक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। 2024 तक निर्माण कार्य पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। उत्तराखंड में अब नेता प्रतिपक्ष की तलाश तेज। 25 जून के बाद कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष के नाम का कर सकता है ऐलान। हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड टेस्ट जांच फर्जीवाड़े में राजनीति तेज। हरिद्वार में 25 जून को उपवास पर बैठेंगे कांग्रेस के नेता। उत्तराखंड को मिली इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। सीएम तीरथ ने परेड ग्राउंड से दिखाई हरी झंडी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है बसों का संचालन। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टरों ने किया बहिष्कार कार्य का। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में एटीएस को मिली मुफ्ती जहांगीर और मोहम्मद उमर गौतम की रिमांड। 1 हफ्ते की रिमांड पर भेजे गए दोनों आरोपी। पूरे नेटवर्क के खुलासे की कोशिश करेगी एटीएस। उत्तर प्रदेश के 1,000 लोगों के धर्मांतरण के मामले को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त। जांच एजेंसियों को धर्मांतरण मामले की एक तह तक जाने के दिए निर्देश। एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर से भी जुड़े नोएडा डेफ सोसाइटी में हुए धर्मांतरण मामले के तार। मौके पर मिले दस्तावेजों की जांच में जुटी पुलिस। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया। गुंडा में युवती से हैवानियत का मामला आया सामने। वारदात के 2 दिन बाद की गई अगवा करने की कोशिश। आरोपियों पर धर्मांतरण की कोशिश करने का लगा है आरोप। बाराबंकी में युवती को तालिबानी सजा देने की घटना का शासन ने लिया संज्ञान। प्रेमी जोड़े के लिए सुरक्षा और मदद का किया गया ऐलान। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुर्क होगी भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार की संपत्ति। पाटीदार के खिलाफ कुर्की की मांग की अर्जी मंजूर। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में दी थी अर्जी। शामली डेंटिस्ट की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या के लिए इस्तेमाल कैंची भी पुलिस ने की बरामद। बहराइच में 1.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का मामला आया सामने। पड़ोस के युवक पर गांव के प्राथमिक स्कूल के शौचालय में ले जाकर बच्ची के साथ दरिंदगी करने का आरोप। बच्ची की हुई मौत। एटा में अवैध साम्राज्य पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव की मार्केट पर प्रशासन का चला बुलडोजर। मुरादाबाद के दिलारी थाना इलाके में तहखाने में पिता बेटों सहित 4 का मिला शव। जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से बताई जा रही है मौत। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर इलाके में आपसी विवाद में गांव के ही 2 पक्ष भिड़े। जमकर हुआ पथराव। फायरिंग की भी घटनाएं सामने। 5 लोग हुए घायल।
लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। दुबई से लखनऊ पहुंच रहे यात्री के पास 814 ग्राम सोना बरामद। सोने की कीमत 40,15,000 रुपए। कन्नौज में 3 दिन पहले हुई प्रधानपति की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी युवती सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। युवती के प्रधानपति पर परेशान करने का लगाया आरोप। हरदोई में एक युवक पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में महिला ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। शादी के 3 साल बाद भी बच्चा न होने से थी परेशान महिला को बचाने में पति भी झुलसा। और आइए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखनऊ की, जहां कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। तमाम बीजेपी के दिग्गज यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने। लगातार 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, ऐसे में लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने। बता दें कि बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद। साथ ही लगातार बैठक पहले भी हुई और अभी भी बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद थे और रणनीति बनाई जा रही है। इसके पहले जो बैठक हुई उस बैठक में बीएल संतोष ने यह साफ कर दिया कि जो गलतियां और जो कमियां बंगाल में देखने को मिली उससे सबक लेने की जरूरत है और ये कोशिश की जाए कि वो गलतियां ना दोहराएं। ऐसे में 2022 का जो चुनाव है वो हर हाल में जीतना है, ये बीएल संतोष कहते हुए नजर आए। और अभी भी ये बैठक चल रही है। एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। नोएडा में पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग का किया खुलासा। 15,000 के इनामी चोर को किया गिरफ्तार। चोरी किया हुआ सामान भी बरामद। अमरोहा में पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। फैक्ट्री संचालक को किया गिरफ्तार। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 5 रात्रि बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों पर एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर पैसे निकालने का आरोप। मैनपुरी में जमीन के लालच में दामाद ने की ससुर की हत्या। सोते समय फावड़े से दामाद ने की ससुर की हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अमरोहा में तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी युवक को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा से लापता हुए लड़के को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सुरक्षित ढूंढा। माता पिता की डांट से नाराज होकर घर से भागा था लड़का। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने लड़के को जम्मू पुलिस को सौंपा। लखनऊ में सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही घटिया सामग्री की खुली पोल। सीएम आवास से कुछ ही दूरी पर धंसी मेन रोड, एक टैंकर को पहुंचा नुकसान। प्रयागराज में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर कटान भी देखने को मिला। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ साथ तीर्थ पुरोहित और नाविकों की बड़ी चिंता। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से मलबा गिरने की वजह से बंद। जाम में फंसी हैं दर्जनों गाड़ियां। बिजनौर के जलीलपुर खादर इलाके में बाढ़ के पानी में बहने से किसान की मौत। पीएसई गोताखोर टीम ने शव को निकाला बाहर। हल्द्वानी में मॉनसून को देखते हुए वन विभाग का ऑपरेशन मॉनसून जारी। पुलिस और फॉरेस्ट टीम संयुक्त रूप से कर रही है कॉम्बिंग। बुंदेलखंड विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष राजा बुंदेला का अखिलेश यादव पर बयान। कहा वैक्सीन को बीजेपी का टीका कहने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सपा के वोटर वैक्सीनेशन करवाने से कर रहे हैं मना। जस्टिस एमएन भंडारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। चीफ जस्टिस संजय यादव 25 जून को हो रहे हैं रिटायर। वाराणसी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीएचयू के सिंहद्वार पर किया प्रदर्शन। इलाहाबाद के में छात्रों पर हुई एफआईआर के खिलाफ किया प्रदर्शन। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार 2 लोग हादसे का हुए शिकार। दोनों युवकों की हुई मौत। छिबरामऊ के रहने वाले थे दोनों मृतक। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में मां और बेटे की मौत। पिता और बेटी घायल। लखनऊ के महानगर इलाके में देर रात एक बोलेरो जीप गोमती नदी से जा टकराई। 6 लोगों को बचाया गया। एक की मौत, एक की तलाश अभी जारी है। जौनपुर में कूड़ा ले जाने के लिए खरीदे गए वाहन बने शोपी। इस वाहन चालकों की कमी से 9 महीने से इस्तेमाल नहीं हुए ये वाहन। उन्नाव के थाना बेहटा मुजावर में एक वैन में अचानक लगी आग। जलकर राख हुई पूरी वैन। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।